अगर आप एक एसी नहीं ले रहे तो तपती गर्मी में आपको एक पर्सनल कूलर की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे मुंह पे हवा पड़े, भाई सीधा इधर कर दे एसी को या कूलर को। और यही चीज एक पर्सनल कूलर बहुत आराम से कर सकता है, आपको पूरी तरीके से कूल कर सकता है। और वही मेरे हिसाब से ये सिम्फनी का टच 55 कूलर कर रहा है इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कैसे, यही मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं इस कूलर का एक ट्रू व्यू। ये ट्रू व्यू कैसे हुआ, क्योंकि ये एक ट्रू रिव्यू है। सिम्फनी ब्रांड ने मुझे इस कूलर को नहीं भेजा और ना ही पैसे दिए हैं, मैं ओपनली डिक्लेयर करके कहता हूं, लेकिन फिर भी दावे से आपको कहता हूं कि ये बेस्ट पर्सनल कूलर है 2023 में। और आप अगर इसे लेंगे तो ना सिर्फ ये आपको बहुत अच्छे से कूल कर देगा, बल्कि आपके रूम को भी थोड़ा बहुत कूल कर देगा। ऑल्दो ये एक पर्सनल कूलर है, बट आई स्टिल से दैट। ये सब सारी बातें बाद में, आपको सबसे पहले इस कूलर की थोड़ी सी लुक्स के बारे में बताता हूं। ये कूलर दिखने में ह्यूज यानी बहुत बड़ा है, और बाकी सभी कूलर की तरह इसमें तीन तरफ नहीं आपको चार तरफ पैड्स देखने को मिलेंगे। मैंने अपने एयर कूलर के कंपैरिजन में, भूल गए आप कौन सा वाला वीडियो, ये वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो जरूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद। इसके अंदर आपको बताया था कि सिम्फनी टच 55 के अंदर आपको तीन जगह पैड्स मिलते हैं, नहीं यार गलती हो गई थी थोड़ी सी, एक्चुअली चार जगह मिलते हैं। एंड इट इज टू गुड अ फीचर, क्योंकि चारों तरफ पैड्स के ऊपर जब पानी पड़ के आपको ठंडी हवा मिलती है, देन यू रियलाइज इट कि यार ये तो पूरा ऑलराउंड इफेक्ट, आपको ठंडी हवा, यू नो हवा में थोड़ा सा मॉइस्चर आता है, एंड इट इज टू गुड। ये एस्पन पैड्स हैं और आप इन्हें नॉर्मल घास की तरह भी समझ सकते हैं, मतलब जब ये तीन चार साल बाद खराब हो जाएंगे तो आपको सिम्फनी को कॉल करके महंगे पैड्स मंगवा के चेंज कराने की जरूरत नहीं है, अपनी लोकल मार्केट में सस्ते पैड्स खरीदो, वही लगाओ, एंड द कूलर विल वर्क ब्यूटीफुली। इस कूलर के अंदर एक ब्लोअर लगा है और वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, और ये कूलर टोटल 185 वॉट की पावर लेगा। स्पीड और वाटर पंप को कंट्रोल करने के लिए आपको कूलर के ऊपर दो डायल नॉब्स दिए गए हैं, कूलर के नीचे आपको वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, और कूलर की दोनों साइड्स पे आपको वाटर या फिर आप आइस भी कह सकते हैं उनके लिए इनलेट दिया गया है। कूलर के पीछे आपको ड्रेन आउटलेट भी दिया गया है और एक कॉर्ड वाइंडर दिया गया है जिसे आप एज अ हैंडल पकड़ के भी यूज कर सकते हैं और कूलर को मूव कर सकते हैं। अब लुक्स की बातें हो गई खत्म, अब मैं आपको बताता हूँ सिम्फनी इसमें कहता है कि आपको आई प्योर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। यार आई प्योर टेक्नोलॉजी ना मतलब मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, वो छोटे छोटे आपको फिल्टर्स लगा के उन्होंने पैड के अंदर दिए हैं, उससे सिम्फनी कहता है कि एयर पोल्यूशन, डस्ट, पता नहीं बैक्टीरिया, वायरसेस सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसे पूरी तरीके से इग्नोर करें। ये कूलर अच्छा है, मैं इसकी यूसेज का रिव्यू आपको दे रहा हूं, बट आई प्योर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपको इसके अंदर कूल फ्लो टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मतलब चार तरफ पैड्स हैं, पैड्स के ऊपर पानी आया, उनसे धीरे धीरे ठंडी हवा आपको जब मिलेगी तो वो बहुत शानदार लगेगी आपको, एंड दिस इज टर्म्ड एज कूल फ्लो टेक्नोलॉजी बाय सिम्फनी। अब आप इसे टेक्नोलॉजी बोलो, हम तो बोलेंगे भाई ठंडी हवा आ रही है कूलर से और वो अच्छी लग रही है बस। सिम्फनी के क्लेम के हिसाब से इस कूलर का एयर थ्रो 24 फीट है, लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इस चीज को मेजर करके बता दूं कि भाई देखो इतनी दूर तक आपको हवा देखने को मिलेगी, महसूस होगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका एक छोटा रूम है 120 स्क्वायर फीट तक का, तो ये कूलर आपके एक छोटे मोटे रूम को भी ठंडा कर सकता है। मैं आपको अपना यूसेज के हिसाब से बताता हूं, हमारे यूसेज के हिसाब से हमने इसे पर्सनल कूलर की तरह ही यूज किया, आप भी उसी तरीके से समझ के ही इसको खरीदें। ये एक बहुत शानदार कूलर है, आपको एयर थ्रो इसका बहुत जबरदस्त मिलेगा, चारों तरफ जो पैड्स हैं उसकी वजह से आपको बहुत जबरदस्त मजा आएगा, ठंडी हवा मिलेगी, समथिंग लाइक जैसे शादियों में एक पंखा लगा होता है उसके अंदर से जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलती है ना,
वैसा ही आपको कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे इस कूलर से, विच इज वेरी वेरी गुड। इसीलिए मैंने इस कूलर को नंबर वन पोजीशन दी थी अपने पर्सनल एयर कूलर के वीडियो के अंदर, एंड आई वॉज कंप्लीटली राइट। हमने पिछले एक महीने में जितना भी इसे यूज किया है, हमने यही पाया दैट द कूलर इज फैंटास्टिक। इसकी बॉडी भी स्टर्डी है, 18.5 kgs के आसपास ये वे करता है। आई विश कि थोड़ा और ज्यादा वे करता, थोड़ा और ज्यादा स्टर्डी बॉडी होती, लेकिन क्या ये लाइट वेट बॉडी है? यस, बट ये लाइट बॉडी कहीं से नहीं है। थर्मोप्लास्टिक का ये कूलर बना है एंड इट इज वेरी स्टर्डी। हमने 55 लीटर पानी पूरा इसके अंदर भर के इसे मैक्सिमम यूज करा है ताकि हम इसे हिला के भी देख सकें और हम इसकी स्टर्डीनेस को चेक कर सकें। इसका हैंडल बहुत काम में आता है एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड कूलर। सिम्फनी आपको देगा इस पे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी जब भी आप इसे खरीदेंगे तब से, और ये कूलर इस समय अप्रोक्सीमेटली 12,000 rupees के आसपास का कॉस्ट करेगा। ये प्राइस कम या ज्यादा होते रहते हैं, मैंने इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मेरे लिंक से खरीदने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसी से हम कमाते हैं। हम आप ही की सपोर्ट से जब थोड़ी थोड़ी अफिलिएट कमीशन कमाते हैं तो उनसे जोड़ जोड़ के हम ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद के आपको अपना ट्रू व्यू दिखा पाते हैं जो कोई भी और चैनल आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि हम किसी ब्रांड का स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट इस चैनल पर नहीं चलाते। आशा करता हूं कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करेंगे। और यहां पे आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, जब आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और उसके बाद अगर आपका कूलर खराब होता है तो आप अगर सिम्फनी को कॉल करके या किसी भी ब्रांड को कॉल करके उनसे रिपेयर करवाते हैं या स्पेयर पार्ट्स को चेंज कराते हैं, वहां पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए आपको एक अच्छा एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज लेना चाहिए जो कि बहुत सस्ता आता है कूलर्स का। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि गो वारंटी का एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज लें। उसका मैं आपको अपना अफिलिएट लिंक नहीं दूंगा, कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं है, ताकि आप उनसे नेगोशिएट करें या अमेज़न पे सस्ते से सस्ता खरीदें और आप अपने कूलर को पहले दिन से प्रोटेक्ट करके चलें। अब आपको बताता हूं इसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं खुद कि आपको ये कूलर खरीदना है कि नहीं। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द फैंटास्टिक कूलर। इट्स अ फैंटास्टिक कूलर क्योंकि आपको अगर एक छोटा मोटा रूम साइज है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 120 स्क्वायर फीट तक का अगर रूम है तो ये लगभग आपके रूम को भी इजिली कूल कर देगा, प्रोवाइडेड यू हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन। मतलब छोटी मोटी खिड़की है आपके रूम में, आपने उसे खोल लिया या एग्जॉस्ट को चला लिया, वो भी काम कर जाता है वेंटिलेशन के लिए, तो ये रूम को ही कूल कर देगा। मतलब फॉरगेट अबाउट पर्सनल कूलिंग, ये तो पूरा रूम ही कूल कर सकता है। लेकिन पर्सनल कूलिंग की जहां तक बात है, दिस इज अ माइंड ब्लोइंग कूलर। आपने अगर इसे 10 फीट दूर भी लगा दिया, 15 फीट दूर भी लगा दिया, तो भी ये आपके बाल पूरे उड़ा देगा और आपको बहुत मजा आएगा इसकी चिल्ड हवा से। मतलब इट्स लाइक वेरी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। इसे लगा के आप बैठिए, 3-4 लोग हम काउच पे बैठ जाते हैं और हम इसकी ठंडक को एंजॉय करते हैं एंड वी लव इट। इसका पावरफुल ब्लोअर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। द ओनली कॉन दैट आई थिंक इज कि इसके अंदर जो नीचे व्हील्स दिए गए हैं, स्वेवल व्हील्स, वो 360 डिग्री रोटेट नहीं होते। मैंने अपने कंपैरिजन वीडियो के अंदर, फिर से भूल गए कौन सा, ये वाला वीडियो, इस एयर कूलर के कंपैरिजन वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया था कि शायद सिम्फनी का ये सोचना होगा कि भाई इतना पानी भर जाएगा इस कूलर में, इतना बड़ा कूलर है तो इसको 360 डिग्री कौन घुमाएगा। बट मेरा बताना आपको फर्ज है कि सिर्फ आगे या पीछे हो सकता है, आपको उस हिसाब से ही इसको मैनेज करके परमानेंटली अपनी एक जगह देनी है, जो कि हम सभी कर सकते हैं। एंड मेरे लिए ये कूलर आज भी नंबर वन पे है। इनफैक्ट एक और प्रो है, मैं आपको इसका बताता हूँ। इसके अंदर आपको फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स भी देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है, मतलब मच्छर वच्छरों की नो एंट्री हो गई यार। मतलब अगर आप कूलर यूज नहीं कर रहे हैं तो आपने लूवर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया और मच्छरों की नो एंट्री, एंड दिस इज फैंटास्टिक। मतलब हमारी हाइजीन या मतलब हमारी प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के अगर कोई ब्रांड एक अच्छा कूलर बना रहा है, देन इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। 12,000 rupees का प्राइस है, इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?
देखो दोस्तों, ये कूलर थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, 12,000 रुपए का प्राइस हर कोई पे नहीं कर सकता, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने एक कूलर का कंपैरिजन वीडियो बनाया था, पर्सनल कूलर का, वो ये वाला, और एक डेजर्ट कूलर का कंपैरिजन भी बनाया था जो कि पूरे रूम को कूल कर देता है, और वो है ये वाला। ये दोनों वीडियोज आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बेस्ट कूलर खरीदना है अपने रूम के लिए या पर्सनल कूलिंग के लिए, तो आपको इन दोनों वीडियोज से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और दूसरी क्या चीज आपको करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में VM1 एयर कूलर लिस्ट देखने को मिलेगी, उसे डाउनलोड करें। उसमें वो सारे कूलर्स हैं जो मैंने खरीदे, जिन्हें मैंने यूज किया, जिन्हें मैंने सही पाया। उनमें कई ऐसे कूलर्स नहीं हैं जिन्हें मैंने खरीद के नहीं अच्छा पाया, क्योंकि मैं उनके लिंक इंक्लूड नहीं करता हूं। इसलिए आप अगर उस लिस्ट को डाउनलोड करके अपनी परचेज को पूरा करेंगे तो यस, वो मेरे अफिलिएट लिंक है, इससे चैनल की हेल्प भी होगी, लेकिन आप एक सही प्रोडक्ट, एक सही एयर कूलर खरीदेंगे, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, और मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले ट्रू व्यू में, जो दुनिया में आपको और कोई नहीं दिखा सकता, मैं दिखा सकता हूं बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।